जिला पंचायत अध्यक्ष की सुरक्षा में तैनात एक आरक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वहीं इसकी सूचना पाते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने कोहराम मचा दिया। इस मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बहराइच के नानपारा कोतवाली में तैनात आरक्षक अजय सिंह पुत्र सुनील सिंह को दो दिन पूर्व ही जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह की सुरक्षा के लिए भेजा गया था। वहीं इस मामले में एसपी केशव चौधरी द्वारा बताया गया कि आरक्षक आज सुबह घूमने के लिए निकला हुआ था। इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि आरक्षक जमीन पर गिरा हुआ पड़ा है, जिस पर मौके पर जाकर देखा गया तो आरक्षक मृत अवस्था में पाया गया, जिसे आनन फानन में लाकर बहराइच मर्चुरी में रखवाया गया। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। छोटे भाई विजय सिंह द्वारा बताया गया कि उनके भाई 2020 बैच के हैं। कुछ दिन पहले ही वह पुलिस लाइन भेजे गए थे, यहां से उन्हें गनर के रूप में भेजा गया था। छोटे भाई विजय द्वारा कहा गया कि अजय पिछले 3 साल से रनिंग करने ही नहीं गया तो अचानक आज कैसे चला गया। वहीं करीब 1:30 बजे रात में किसी दूसरे भाई से भी बात हुई थी तो वो 5 बजे दौड़ने कैसे जा सकता है। उन्होंने बताया कि पहले उन्हें फोन आता है कि उनके भाई का एक्सीडेंट हुआ है, मगर बाद में कहा जाता है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। आरोप लगाते हुए कहा कि किसी डॉक्टर को दिखाए बगैर ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं जिसकी सुरक्षा में तैनात थे आरक्षक, वह भी अभी तक देखने नहीं आए हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पे हमें कुछ गलत लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय सिंह है। जो मृतक सिपाही हैं, आप उनके क्या लगते हैं? वो मेरे बड़े भाई हैं, उनका नाम श्री अजय सिंह है और वो अभी 2020 बैच में अभी यूपी पुलिस में हुए हैं और वो अभी कुछ दिन पहले मतलब नानपारा थाने से पुलिस लाइन आए थे बहराइच पुलिस। उसके बाद अभी 3 दिन पहले उनको अरुण वीर सिंह विधायक जी के यहाँ एज अ गनर भेजा गया। तो अभी आज हमारे पास सुबह फ़ोन आया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। तो पहले हमें ये ऑन एक्सीडेंट का बताया गया, फिर जब हम वहाँ से निकले हैं फिर हमें फ़ोन आया कि उनको वो रनिंग करने गए थे सुबह 5 बजे और उनको हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। और जैसा हमें पता चला है अभी वो उन्होंने मेरे एक और भाई हैं उनसे उनकी 1:30 बजे रात में बात हुई। एक्चुअली वो पढ़ाई कर रहे थे और एसआई की तैयारी कर रहे थे, तो 1:30 बजे बाद जो बंदा 1:30 बजे सोएगा वो 5 बजे रनिंग करने जाएगा पहले तो ये है। और पिछले 3 साल से वो रनिंग करने गए नहीं हैं, किसी को ऐसा कुछ नहीं पता था। और उसके बाद जैसा कि हमें पता चला कि इन लोगों ने ऑन द स्पॉट उनको मरा घोषित कर दिया और डाले में भर के सीधे मर्चरी और जिला अस्पताल मर्चरी भेज दिया। बट अगर वो विधायक के ड्यूटी में थे तो विधायक अपनी गाड़ी भेज सकते थे, एम्बुलेंस भेज सकते थे, डॉक्टर को दिखवा सकते थे, कुछ ऐसा नहीं किया गया। सीधे मरद घोषित करके और यहाँ मर्चरी में भेज दिया गया अस्पताल। तो हमें वही डाउट है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई हस्तपुर इंसान जो 3 साल से रनिंग करने नहीं गया वो उसी दिन रनिंग करने गया, उसकी उसी दिन डेथ हो गई। और जिनके एज अ गनर था उन्होंने अपनी गाड़ी भी नहीं भेजी, ना एक बार देखने आए हैं जब से कुछ हुआ है। तो हम और बिना डॉक्टर के सलाह के मृत घोषित करना, सीधे डाले में भेज के ऐसे मर्चरी भेज देना, वो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत लगता है और हम चाहते हैं कि पूरी तरह से जांच की। आज सुबह में जो वहाँ मौके पे जो लोग थे जहाँ पर सिपाही की डेड बॉडी थी, वहाँ के लोगों द्वारा ये बताया गया था कि जो हमारा आरक्षी है वो दौड़ रहा था, अचानक उसके पेट में दर्द हुआ। वहाँ उन्होंने जो दो लोग थे उनको बताया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और जिला पंचायत गलत भी था उनके गाँव के बाहर की बात, तो उन्हें अवगत करा दें कि मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा। वो लोग जो है वहाँ उनको बताने गए और जब सभी लोग और वहाँ पहुँचे तो आरक्षी वहाँ पर भी अवस्था में था। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुँची और उसे जो है यहाँ अस्पताल लाया गया, पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। जो भी पोस्टमार्टम आधार पर उसका।